हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके समक्ष आ गई हूँ। आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चंस हैं और आप सभी रेडी हो जाइए इस 50 क्वेश्चंस को लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अपना रैंक चेक करने के लिए, जो भी आपने थ्योरी सेशन पढ़ा हुआ है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPTET PGT, चाहे UPLT ग्रेड, चाहे MP TET, MP सुपर टेट, अदर स्टेट के TGT PGT, KVS, NVS, UGC नेट, तो सभी प्रकार के कॉन्टेक्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस कराया गया है एंड वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, आपकी गलतियों का आभास होगा, जिस टॉपिक में आप कमजोर हैं उसको सुधार करने का मौका मिलेगा। क्योंकि इंतजार मत कीजिए कि पेपर आएगा तभी पढ़ेंगे, पेपर का डेट आएगा तभी पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ समय डेली बेसिस पे आप देते रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है कि बीजिंग ओलंपिक 2008 के लिए निम्न में से कौन सी कंपनी आधिकारिक रूप से समय रक्षक थी? तो इसमें थी ओमेगा कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने ओलंपिक का मोटो दिया था? आप सबको पता है ओलंपिक का मोटो फादर हेनरी डिडाउन ने दिया था। ओलंपिक मोटो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। इसका अर्थ होता है फास्टर हायर स्ट्रांगर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली। वर्तमान में इसमें एक चौथा मोटो जुड़ गया है जिसे कहते हैं कम्युनेटर, जिसका अर्थ होता है टुगेदर, यानी एक साथ चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्टेडियम का नाम बताएं जिसमें 1896 के पहले आधुनिक ओलंपिक खेले गए थे। तो दोस्तों, एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में, ठीक है, पैनाथेनिक स्टेडियम में खेला गया था और आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय है बैरन पियरडी कोबर्डी को जाता है और आधुनिक ओलंपिक के पितामह कहे जाते हैं बैरन पियरडी कोबर्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के झंडे में छल्ले किसके सूचक है? दोस्तों, ओलंपिक झंडा ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह कहलाता है। ओलंपिक झंडे का डिजाइन जो है 1913 में बैरन पियरडी कोबर्डी ने किया था। इसको फहराया गया था सर्वप्रथम 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में। एंड दोस्तों, इसके बीच में 5 छल्ले हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, जिसमें नीला छल्ला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। यानी क्वेश्चन क्या पूछा है कि ओलंपिक के झंडे में छल्ले किसके सूचक हैं? तो यह महाद्वीप के सूचक हैं। एंड नेक्स्ट है, किस बीमारी को लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है? तो टिटनेस को जाना जाता है। टिटनेस को लॉक जॉ, धनुष टंकार भी बोला जाता है, या बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है व्यायाम एवं आराम, भोजन एवं आहार, स्वच्छता एवं आदतें। तो दोस्तों, ये तीनों फैक्टर जो है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निर्भर करते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्लेन शरीर को ऊपर नीचे हिस्सों में बांटता है? तो दोस्तों, प्लेन एंड एक्सिस के बारे में मैंने किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए, डिटेल में बताया हुआ है, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी एक बार देख लेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, हमारे शरीर में 3 प्लेन कार्य करती हैं, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल प्लेन जो होती है शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटती है और गति आगे पीछे होती है, यानी कि गति फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होती है। दूसरा प्लेन होता है फ्रंटल, जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटती है और गति दाएं बाएं होता है, एब्डक्शन एडक्शन गति।
तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं, शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा प्लेन शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है, तो ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट है तेज धावक सीट कमांड पर किस स्थिति में रहता है। तो दोस्तों स्प्रिंट दौड़ों में 100, 200, 400 मीटर दौड़, रिले दौड़, बाधा दौड़ों में तीन कमांड दिए जाते हैं, आर्म योर मार्क, सेट और गन फायर। जबकि लंबी दूरी की दौड़ों में दो कमांड दिए जाते हैं, आर्म योर मार्क एंड गन फायर। तो जब तेज धावक में तीन कमांड दिए जाते हैं, आर्म योर मार्क, सेट एंड गो, सेट के बाद तुरंत गन फायर किया जाता है, यानी कि वो तुरंत प्रतिक्रिया करने की स्थिति में रहता है। तो बॉडी पोजिशन जो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अस्थिर संतुलन होता है, पूरा भार हमारे हाथों पर होता है, हम इंतजार करते हैं कि जो ही बंदूक की आवाज़ सुनाई देगी हम उस पर प्रतिक्रिया करके एक्सीलरेशन जोन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है वेट स्पाइरोमीटर निम्न में से किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तो यह वाइडल कैपेसिटी यानी फेफड़ों की वायु धारक क्षमता को मापता है वेट स्पाइरोमीटर। नेक्स्ट है कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई निम्न में से किसको विपरीत तौर पर प्रभावित करती है। तो दोस्तों इसमें कूदने की क्षमता, तेज दौड़ने की क्षमता, फेंकने की क्षमता, ये सभी विस्फोटक शक्ति में आ जाएंगे, अनैरोबिक क्रियाओं में आ जाएंगे। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई है तो यहाँ पे एंड्योरेंस की बात हो रही है, तो लंबी दूरी की क्षमता, यहाँ पे लंबी दौड़ की क्षमता आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खेलों में पेशी प्रभाव सहायक यानी कि एर्गोजेनिक एड्स निम्न में किस में मदद करते हैं। दोस्तों एर्गोजेनिक एड्स ऐसा पदार्थ या भोजन या प्रशिक्षण के तरीके जो ऊर्जा के उत्पादन, प्रयोग या पुनः शक्ति प्राप्ति को बढ़ाते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की विधियां जिसे खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार आता है, यानी कि ऐसे साधन या क्रिया जिसके द्वारा एक खिलाड़ी की पेशियां ताकत बढ़ती हैं, गति प्रतिक्रियात्मक क्षमता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, वो होता है एर्गोजेनिक एड्स। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। एर्गोजेनिक एड्स जो है वह 5 प्रकार का होता है, जैसे कि न्यूट्रिशनल एड, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल, चारों पाँचों के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है कि एर्गोजेनिक एड्स किसमें सहायक होते हैं। तो ताकत एवं सहनशीलता को बढ़ाता है, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो दोनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खेल आंतरिक इनाम है, कौन सा खेल का आंतरिक इनाम है। आंतरिक इनाम यानी आपको आत्मसंतुष्टि, आत्मसम्मान ही आंतरिक इनाम है। नेक्स्ट है रिसेप्टर में जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं वो हैं, तो रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स आर्कन होते हैं। जैसे रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ज्ञान इंद्रियों द्वारा वातावरण के ज्ञान को करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, और रिसेप्टर्स इफेक्टर्स जो होते हैं मस्तिष्क से विश्लेषण करके हमारे अंगों तक पहुँचाते हैं। तो रिसेप्टर्स में जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं वो कहलाते हैं प्रोपरियोसिप्टर्स, प्रोपरियोसिप्टर्स। नेक्स्ट है सीखने की गति उस सीमा से पार चली जाती है जहाँ से आगे सुधार होना असंभव होता है, उस स्थिति या तकनीकी को क्या जाना जाता है। दोस्तों उस स्थिति को कहा जाता है प्लेट्यू, क्या बोला जाता है प्लेट्यू, यानी कि सीखने के वक्र में पठार, उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती दिखाई देती, यानी कुछ समय के लिए रुकी हुई सी दिखाई देती है, यानी वक्र की रेखा न ऊपर जाती है न नीचे जाती है, एकदम सपाट जाती है, इसको कहते हैं प्लेट्यू। सीखने के वक्र के 3 प्रकार होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और मिश्रित वक्र, जिसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट है ज्ञान परीक्षण में एक परीक्षण मद की कसौटी का निर्णय किसके द्वारा कर सकते हैं। तो किसी का भी ज्ञान परीक्षण करना है तो किस कसौटी पे कर सकते हैं, तो ऑप्शन है विभेद शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन पावर एंड कठिनाई स्तर, इन दोनों विधियों से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ग राइट होगा।
नेक्स्ट है AASPER ऑफर्ड द्वारा युवा दस्ता परीक्षण क्या मापता है, तो यह मोटर फिटनेस नापता है, यानी शारीरिक दस्ता को यह मेजर करता है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस पर क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन ए है कि सामान्य से ज़्यादा तनाव प्रशिक्षण अनुकूल यानी ट्रेनिंग एडॉप्टेशन में जरूरत पड़ती है, तो ट्रेनिंग एडॉप्टेशन में सामान्य से ज़्यादा तनाव जरूरत पड़ती है, राइट है। इसका कारण आर है कि शारीरिक मांसपेशी की दक्षता किसी विशेष क्रिया को सीखने की अनुकूलता यानी एडॉप्टेशन को दर्शाता है, तो यहाँ ए और आर दोनों राइट हैं। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि बहुत से खिलाड़ी पेशी प्रभावी सहायक लेने के आदि हो गए हैं, तो बात सही है। आर है कि पेशी प्रभाव साधन यानी एर्गोजेनिक एड्स मांसपेशी भार तथा एरोबिक क्षमता को बढ़ाता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। आसन नंबर ख ए और आर दोनों राइट है, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मिलान करना है अभिकथन ए और बी से, यहाँ पे एक में आपका फिलोसॉफी के सिद्धांत दिए गए हैं और उसके एक तरफ प्रतिपादक दिए गए हैं। तो आदर्शवाद आइडियलिज्म के संस्थापक कौन है दोस्तों, प्लेटो, तो ए का 5 हो जाएगा। एंड यथार्थवाद के रियलिज्म के संस्थापक हैं अरस्तु, तो बी का 4 हो जाएगा, ए का 5 बी का 4। एंड प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म के संस्थापक हैं रूसो, तो ये है आपका सी का 2। एंड वास्तविकतावाद यानी प्रैग्मेटिज्म, इसको प्रयोगवाद या एक्सपेरिमेंटिज्म या व्यवहारवाद भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक हैं जॉन डीवी, तो 4 का 1 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इस यहाँ भी आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, खेलों के शब्दावली से रिलेटेड है, एक तरफ खेल शब्दावली एक तरफ खेल दिया हुआ है, आप इस पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे लक्ष्य संधान का केंद्र, यह आपका हो जाएगा शूटिंग में, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। एंड ड्यूस जो है यह यूज होता है शब्दावली टेनिस में, तो बी का 1, ए का 4, बी का 1। एंड जंप बॉल जो है बास्केटबॉल से रिलेटेड है, तो ए का 4, बी का 1, एंड सी का 5। एंड अपर कट जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ भी आपको मिलान करना है, तो बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है, तैराकी की एक तकनीकी है, तो ए का 1 हो जाएगा। एंड डबल फॉल्ट शब्द है टेनिस से, तो बी का 5 हो जाएगा। एंड ब्लॉकिंग शब्द वॉलीबॉल से है, तो सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड प्योर शब्द है बास्केटबॉल से, तो डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट है खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए पेशी प्रभावी साधन यानी कि एर्गोजेनिक एड्स का वर्गीकरण किससे संबंधित है, एक तरफ एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार दिया गया है और उससे संबंध दिया गया है, आपको मिलाना है। तो मैकेनिकल एड्स ये आपका उपकरणों यानी कि कौन सा उपकरण कैसे प्रयोग करना है, क्या आपको सहायता कर रहा है कि नहीं, इसका अध्ययन किया जाता है। एंड बी है यानी ए का 5 हो जाएगा। बी है मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, ये आपका सम्मोहन यानी उत्साह बढ़ाया जाता है, हिप्नोसिस इसमें आ जाएगा। बी का 3, ए का 5, बी का 3। औषधिक यानी फार्माकोलॉजिकल एड्स में आपका कैफीन आ जाएगा, सी का 2। पौष्टिक यानी न्यूट्रिशनल एड में कार्बोहाइड्रेट लोडिंग आ जाएगा, तो डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन एस्कॉर्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है, तो विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है आंवला। नेक्स्ट है किस प्रशिक्षण में आराम की अवधि हितकारी रूप से उपयोग की जाती है, तो आप सबको पता है यह होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, इंटरवल प्रशिक्षण। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रशिक्षण या एक्सरसाइज जो है 180 हार्ट रेट तक किया जाता है, 180 पहुंचने पर रोक दिया जाता है, जो ही हार्ट रेट जो है 120 से 140 के मध्य आती है तुरंत पुनः कार्य को आरंभ कर दिया जाता है, यानी अनकम्प्लीट रिकवरी यहाँ पे रखा जाता है।
नेक्स्ट, डॉक्टर केनेथ कूपर किस परीक्षण के प्रतिष्ठादाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर केनेथ कूपर ने 12 मिनट दौड़ भाग परीक्षण की खोज किया था 1970 में कार्डियोरिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है, शरीर में वसा का प्रतिशत मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कौन सा यंत्र है? आप सबको पता है, स्किन फोल्ड कैलिपर। नेक्स्ट दोस्तों, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी निम्न से किसके द्वारा स्थापित की जा सकती है? तो रिलायबिलिटी ज्ञात करने के लिए स्पीड हॉफ मेथड, पैरल फॉर्म, रीटेस्ट मेथड, इस सभी विधियों से रिलायबिलिटी को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है, JCR परीक्षण में किसका समावेश होता है? तो JCR, J से जंप, C से चिरव, R से रन, यानी कि सार्जेंट जंप यानी वर्टिकल जंप, चिन अप्स और शटल रन इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट, कौन सा माप यानी माप माधिका यानी मीडियन के समान, कौन सा माप माधिका यानी मीडियन के आसपास बिखरेपन को दर्शाता है? तो वह दर्शाता है चतुर्थांश विचलन, क्वार्टियल डेविएशन को। नेक्स्ट है, दो माध्यों यानी मीन्स की तुलना के लिए प्रयोग किए जाने वाली सार्थक मापन यानी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कौन सी विधि होती है? तो वह होती है टी परीक्षण। नेक्स्ट है, केवल एक प्रायोगिक समूह एक्सपेरिमेंटल फैक्टर में अनेक समूहों के मध्य के बीच सार्थकता यानी सिग्निफिकेंस किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वह होता है एक दिशा एनेवा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? एक दिशा एनेवा के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं दोस्तों? तो विचलनशीलता यानी वेरिएबिलिटी, नमूने का आकार कैसा है, नमूने का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, ये सभी फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। रिलायबिलिटी यानी किसी भी टेस्ट को सही साबित करने के लिए रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड, ये सभी चीज़ें होना चाहिए। तो इसमें रिलायबिलिटी होता है कि किसी परीक्षण की आगे माप कर रहे हैं तो उस किसी परीक्षण का, टेस्ट का, किसी समूह पर बार बार प्रयोग करने पर बार बार परिणाम एक जैसे आए तो माना जाता है कि वो रिलेबल है, विश्वसनीय है। नेक्स्ट, शोध निम्नलिखित पर आधारित नहीं है, तो किस पे आधारित नहीं है शोध, इसको आपको बताना है। तो निरीक्षण, तथ्य, परिकल्पना, इस सभी पर शोध आधारित होता है, बट धारणाओं यानी कि ओपिनियंस पर आधारित नहीं होता। नेक्स्ट है, कारण तथा प्रभाव में संबंध निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो कारण तथा प्रभाव, इसको प्रायोगिक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किसने निर्मित किया? तो इसे लिसिन ब्रुहा ने 1943 में किया। इसमें एक बेंच होता है जिसमें अप अप डाउन डाउन किया जाता है, एंड इसमें जो बेंच होता है पुरुषों के लिए 20 इंच यानी 50 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर का होता है। एक कार्डियोरिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट है, जोड़ के गति क्षेत्र यानी रेंज ऑफ मोशन को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है गोनियोमीटर, यह फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है, जोड़ों के कोर के रेंज को मापता है। नेक्स्ट है, निम्न में से 80-90% तीव्रता किस प्रशिक्षण विधि में होती है दोस्तों? तो जो हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है वह इंटेंसिव इंटरवल मेथड एंड एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड दो प्रकार का होता है। इंटेंसिव इंटरवल मेथड यानी गहन अंतराल विधि में वॉल्यूम यानी कि समय कम होता है और इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो 80-90% इंटेंसिटी होती है। एंड एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी कम होता है, तो 30-40% उसमें इंटेंसिटी होती है। यहाँ पे 80-90% पूछा है तो हो जाएगा इंटेंसिव इंटरवल मेथड यानी गहन अंतराल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप घोड़े को पानी की ओर ले जा सकते हैं परंतु आप उसे पिला नहीं सकते, यह किससे संबंधित है दोस्तों? यानी कि थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे, तत्परता यानी तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो
तो तैयारी का नियम, यानी घोड़ा जब तक अंदर से मोटिवेट नहीं होगा, अंदर से तैयार नहीं होगा, तब तक हम उसको पानी के पास ले जा तो सकते हैं बट पानी पिला नहीं सकते, या तत्परता यानी लॉ ऑफ रेडीनेस के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है आदतों का वहन करना तथा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सीखना क्या कहलाता है, या सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि कोई भी कार्य आप सीखे हैं तो उसका दूसरे कार्य में प्रयोग कर रहे हैं तो वो सीखने का स्थानांतरण है। यानी सीखने का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण। यानी पहले का सीखा हुआ ज्ञान नए कार्य में सीखने में सहायता कर रहा है तो आपका धनात्मक स्थानांतरण है, और पहले का सीखा हुआ ज्ञान नए कार्य को करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो स्थानांतरण ऋणात्मक है, और पहले का सीखा हुआ ज्ञान नए कार्य के सीखने में न तो बाधा उत्पन्न कर रहा है और न ही सहायता कर रहा है, तो वहां पे शून्य स्थानांतरण है। नेक्स्ट है बाएं हाथ की हड्डी की ऑसिफिकेशन की तकनीक का उपयोग किसको निश्चय करने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इम्पल्स को ले जाने में एक्सॉन की क्या भूमिका होती है, तो दोस्तों यह इम्पल्स को नसों से दूर यानी सेल बॉडी से दूर ले जाता है, सेल बॉडी से दूर ले जाता है, तो कहाँ ले जाता है, मस्तिष्क या प्रभावी अंगों की तरफ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, आप सबको पता है यह हिप यानी कूल्हे में स्थित होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है एंड हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस है, एंड हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कान की स्टेपेडियस है, एंड हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मसेटर मसल्स निचले जबड़े की है। नेक्स्ट है मांसपेशी सिकुड़न का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, इसको हक्सले ने 1954 में दिया था, इसी के बाद पता चला था, इन्होंने सिद्ध किया था कि मांसपेशी कैसे कंट्रैक्ट होती है और क्या क्या इसमें एक्टिन फिलामेंट पाया जाता है जो एक्टिन छड़ों के मायोसिन छड़ों पर फिसलन से सरकने से मांसपेशी कंट्रैक्ट होती है, इसलिए मांसपेशी का सरकुआ सूत्र सिद्धांत भी इसकी बोला जाता है। नेक्स्ट है खेलों में शिखर प्रदर्शन किस पर आधारित है, खेलों में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो किस पर आधारित होता है, कि आपने कैसा प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उससे पहले तैयारी कैसा किया है, तो प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है इनमें से किस क्रम से आधारभूत कौशल फंडामेंटल स्किल्स सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जा सकती है, तो दोस्तों फंडामेंटल स्किल सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जा सकती है, तो खेलों में विजय प्राप्त करने के लिए आधारभूत कौशल होना चाहिए, निपुणता यानी स्किल में निपुणता, एंड युक्ति आपके पास अच्छा तकनीक यानी प्रैक्टिस होना चाहिए, एंड व्यूहरचना यानी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इन तीनों में सिद्धस्थ आप हैं तो आप एक अच्छा प्रदर्शन करके खेलों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे है दोस्तों स्टेटमेंट दिया हुआ है इतना आपको गद्यांश के रूप में, जिसको पढ़ करके अगले क्वेश्चंस को आंसर देना है 46 से 50 तक का, तो इतना आपके पास समय नहीं है ना मेरे पास है, तो इसको पढ़ेंगे नहीं, ओलंपिक से रिलेटेड है, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बट मैं क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ। क्वेश्चन है कि नॉर्मन प्रिचार्ड ने किस वर्ष वह किन स्पर्धाओं में ओलंपिक पदक जीता था, तो दोस्तों नॉर्मन प्रिचार्ड जो है 200 मीटर स्प्रिंट तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में 1900 पेरिस फ्रांस में पदक जीता था। नेक्स्ट है पीटी उषा किस ओलंपिक में किस स्पर्धा में कितने सेकेंड से पद से चूक गई थी, तो 400 मीटर बाधा दौड़ एंड में लॉस एंजिल्स 1984 अमेरिका ओलंपिक में 0.01 सेकेंड यानी कि सेकेंड के 10वें हिस्से से कांस्य पदक से चूक गई थी। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी दल ने निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते हैं, तो उस समय के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, 8 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य। प्रेजेंट में यदि पूछेगा तो 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा कांस्य वह है 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है।
इस प्रकार वर्तमान में भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में कुल 12 पदक जीते हैं, 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक। नेक्स्ट है वर्षानुसार क्रम से भारतीय खिलाड़ी को नजदीकी रूप से ओलंपिक पदक से चूक गए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ग, यानी कि कौन सफलता के विजय के नजदीक जाकर के चूक गए थे ओलंपिक पदक से, तो हेनरी रिबोलो, मिल्खा सिंह, पीटी उषा। नेक्स्ट है क्रमानुसार भारतीय खिलाड़ी जिन्हें ओलंपिक खेलों में स्वर्ण तथा रजत पदक मिले हैं वो कौन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग राइट होगा, नामन प्रचार 1900 में जीते हैं, एन आर राठौर, अभिनव बिंद्रा, 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीते थे। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। एंड दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, इसी तरह आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।